की नहीं हो सकता इधर कौन पूछते इधर कोई नबी नहीं आ सकता तो लका मिला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुसनु भी लका मिला आज देखिया करे ना भाई दर्जा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सारे तो बाद सिर्फ नबी नहीं बल्कि इमाम अलंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ रसूल नहीं बल्कि सैयदुल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लका बड़ा आला मिला अल्लाह तो बाद दर्जा अगर है तो सिर्फ और सिर्फ आप के सारे बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेकिन नबी का ये मकाम के जिन्हें आप की वफात मुबारक दहम है क्या बात है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपने अपनी जिंदगी के अंदर भी तौहीद समझाई और आपने अपनी वफात के नाल भी तौहीद समझाई सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप की वफात मुबारक वक्त आप का हक मुबारक उतू थे हजरत अम्मी आयशा तैयबा ताहिरा सिद्दीका रजी अल्लाह तआला ने इरशाद फरमाया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जेले जेले आप दा हाथ मुबारक उठते थे मैनू लगा कि हुन शायद आप सारे नजदीक नहीं आवण लगे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा हाथ मुबारक तलो ते आ गया जुबान मुबारक ते अल्फाजन अल्लाहुम्मा रफीकल आला अल्लाहुम्मा रफीकल आला ऐ मेरे अल्लाह दुनिया के अंदर भी तू मेरे नाल है अल्लाह तेरी रिफाकत का मजबूर नहीं लेकिन हुन जन्नत तेरी रिफाकत मिलनी चाहिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुजुर्ग तशरीफ के ना आखिरी अल्फाज बतौर सनद थे इन्हें सामने जिक्र करे सा उस तो बाद इंशाल्लाह इजाजत तवज्जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वफात मुबारक दे जिले टाइम आया है हजरत अम्मी आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा इरशाद फरमाने हैं कि आप दी रूह मुबारक जिले परवाज करने लगी कहंदी रूह जरा मेरे साथ रहो कहंदी रूह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी कोई आम रूह नहीं बल्कि कितनी कीमती रूह है इमाम अलंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी रूह मुबारक दे जिले निकलने दा टाइम आया है वल्ला बिल्ला उस कमरे दे अंदर इतनी प्यारी खुशबू आ गई इतनी प्यारी खुशबू के सारी दुनिया के वो खुशबू न सुंगी हो सी जरी रूह मुबारक सर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुशबू आई इतनी कीमती खुशबू तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन केरे पेदे पे आप दी रूह मुबारक जिले निकली तो उन केरे वेदी पई है जरा हदीस पाक सुने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिले मेराज ने मौके ते पहुंचे आपने सारी जन्नत दी सैर की थी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कर सकते हैं अल्लाह करा सकता है आपने जिले बैठा आखिर में बड़ा खूबसूरत मकाम है पूरी दुन पूरी जन्नत उसका मुकाबला नहीं कर सकती हे सारी जन्नत तुम उतो दे आपने इरशाद फरमाया केड़े खुश नसीब दे महल होने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया सही जिब्राइल मिकाइल ने या रसूल अल्लाह ये थारे इलावा क्या दा घर हो सकदा है सारी जन्नत ऊंचा कर घर हो सकता है तो सिर्फ थारे ही घर हो सकता है आपने फरमाया छोड़ो वतना अपने घर ही दाखिल होवा हर के ने जन्नत मैंने क्या दा पिया अच्छा आखिरी जन्नत ही भी मैं ज़ियारत कर सका हजरत जिब्राइल अमीन इरशाद फरमावन लगे या रसूल अल्लाह थारो घर बनन तो ता कोई नहीं मना करेगा लेकिन इस नहीं कानून है के जड़ा जंदी दुनिया ली जिंदगी बाकी होवे ओ जन्नत जो उस वक्त नहीं आ सकदा जेले तेरी रूह मुबारक दुनिया परवाज करे सी दा सिद्धी जन्नत जाके दाखिल होवे सी आपने फरमाया इतना प्यारा घर के मेरे घर दी जड़ी छत होनी है ओ अल्लाह दा अर्श आई इतना प्यारा जन्नत घर है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी टाइम पे दुआ करें अल्लाह मैं घर देख के आया अल्लाहुम्मा रफीकल आला ऐ मेरे अल्लाह मुझे जन्नत अरे घर पहुंचाने अल्लाह अल जन्ना रफीकुल आला तुम्हारा जन्नत अल्लाह मेरे जन्नत अरे घर पहुंचाने अल्लाहुम्मा रफीकल आला मेरा कीदा मेरी जमात जमात इशाद तौहीद व सुन्ना अकाबरीन की मौजूदगी के अंदर मैं ऐलान करे सा कि उन्हा का कीदा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ जरूर कबूल करी अकीदा है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ की थी जरूर कबूल थी हर मुसलमान दा नजरिया होना चाहिए भाई आपने दुआ की थी अल्लाह मैंने जन्नत में भेज आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी रूह मुबारक निकली तो सीधी किथे गई जन्नत जन्नत लिहाजा ये मसला भी याद रखो कि जेड़े कोई साथी उमरे ते वेंदे या जेड़े दोस्त बाबा अल्लाह सारे नु भिन मने हज ते वेंदे उथे मन के अगर कब्र शरीफ दी ज़ियारत करे ने तो कब्र नु तो कोई नहीं देख सकदा बड़े पहरे और उस आसपास दीवारें तो उथे मन के बाद औकात पाकिस्तान एक टेलीफोन मिला कलांदा है भाई मेरे स्पीक और ओपन करना ते मैं उथे दुरूद शरीफ पढ़ना जो मैं अक्सर या रसूल अल्लाह फलाना फलाने दहा मैं दुरूद पे पढ़ दई
मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुन के इनसे ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। मेरे मोहतरम दोस्तों, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी रूह मुबारक किथे? जन्नत शरीफ के अंदर। और आप दा वजूद मुकद्दस अपनी कब्र शरीफ के अंदर इंतहाई तरो ताजा महफूज है। सारा ताकीद है, अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे वजूद मुकद्दस ते पानी दा कोई कतरा होया तो इंशाल्लाह वो भी तरो ताजा हो सकता सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लेकिन नबी ने दुआ मंगे, अल्लाह मेनु जन्नत भेज, लिहाजा आप दी रूह मुबारक अगर जन्नत है तो जिसम च रूह होवे तो ता जिसम सुनदा होंदा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे कब्र शरीफ ते पढ़ वने वाला दुरूद आप नहीं सुन दे बल्कि अल्लाह ताला अपनी रहमत दे नाल पहुंचा दे नाल है। कै हदीस च नहीं आया, लिहाजा मसला यह याद रखा है कि अल्लाह ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी दुआ कबूल की थी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कुरान दी अहमियत और कुरान दा मसला तुम्हारे सामने रखे, अल्लाह के अलावा कोई कुछ नहीं कर सकता। मैं इन अल्फाज से दुआ करे सा अल्लाह ज्यादा बोलन दे इसको ज्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्ला अल बलाग। उस्ताद मुकम्मल।